अच्छा देखो मेरी बात सुनो, देखो लोग, सच बता रहा हूँ आपको, लोग इस तरह फॉलो नहीं करते हैं। दो तरह दो दो लोगों को लोग फॉलो करते हैं, दो 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 तरह के लोगों को। एक वो जो वल्गैरिटी में उरूज भी होते हैं, गंद मचाया होता है उनको, लोग हाँ इसलिए वो उनको तो फॉलो है। करते हैं, वो देखना चाहते हैं। मेरी बात सुनना, वो गौर से, वो इसलिए उनको फॉलो करते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि ये कितना मजीद गिर सकते हैं, याद रखना। और कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं जो अच्छी बात करते हैं या किसी को कुछ सीखने को मिलता है। तो ये दो लोगों को लोग खास तौर पे फॉलो जरूर करते हैं। तो च्वाइस आपकी है कि आपने क्या चूज करना है। आपने अगर फॉलो करवाना है लोगों को, कहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, दो चीजें आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप अच्छे काम करें, वो थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो पेस चलेगा। और दूसरा, अगर रातों रात आपने टिकटॉक स्टार बनना है, तो आप वल्गैरिटी के सारे पर्दे फाड़ दो। नहीं, ऐसा तो नहीं मैं हो ऑनेस्टली बता सकता। रहा हूँ आपको, दुनिया सुन रही है इस वक्त, क्योंकि रियलिटी इस वक्त ऐसा ही है। तो बीच में आप रहोगे तो लोग आपको कभी फॉलो करेंगे, कभी अनफॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, अनफॉलो करेंगे। तो ये ऐसा ही होता है, ये मार्केट ही ऐसी है, ये दुनिया ही ऐसी है। तो आप चूज करें कि आपने स्लो प्रोसेस में या स्लो पेस में ये अपना फेमस होना है या आपने ब्रांड बनना है, ये ब्रांड की बात है। और दूसरी बात है, आप फेमस हो जाओ। तो फेमस, मैं एक बात बोलता होता हूँ, फेमस तो शैतान भी बहुत ज्यादा है। शैतान को जानती हैं? जी शैतान को जानती, मिली है कभी? नहीं मिली पर जानती शैतान सबसे पॉपुलर होता है, ठीक है ना? कोई भी उसकी अच्छी बात नहीं करता, सबके साथ सबको इस तरह लोग उसको यूज करते हैं कि तुम शैतानी कर रहे हो, तुम शैतान हो। जो गलत काम करते हैं, लोग कहते हैं ये शैतान है या शैतान की कॉपी कर रहा है या शैतान का चेला है। तो वो भी बहुत फेमस है। तो आपने वैसा फेमस होना है, तो फिर आप सारी, कहते हैं ना, वो मॉरलिटी की हदें क्रॉस कर हदें दो, पार छोड़ दो। करनी चाहिए। ऐसे नहीं हाँ होता, मैं मुझे नहीं करना है ऐसा, मुझे फंस नहीं जाना, मैं स्लो ही जाती हूँ। तो इसलिए ऐसे काम करो कि लोग बाहर मिलें आपको, आपकी फैमिली के साथ मिलें, आपसे इज्जत से बात करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको सलाम करें, आपकी इज्जत करें। दो चीजें, दो रास्ते हैं आपका। और बीच में रहेंगे आप तो डेफिनेटली वो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, बस चलता रहेगा। ऐसे चॉइस आपकी है। समझ आई बात की कि नहीं? आपने मुझे लेक्चर दिया, मैंने दे दिया। हाँ आप देने लायक है, मतलब आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, थैंक यू ये सो स्वीट ट्रू ऑफ यू, है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है, क्योंकि हम लोग, मैं समझता हूँ मेरे सोशल मीडिया पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सब मेरे भाई बहने हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम ऐसा काम करें, ऐसी बात करें कि अगर किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते, तो कम से कम किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी कम से कम जो भी हल्का फुल्का चेंज लेके आ सकते हैं, तो मतलब एटलीस्ट अपना 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 पार्ट जरूर प्ले करना चाहिए। तो बच्चा याद रखना, जिंदगी में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ये एक टूल है, टिकटॉक एक टूल है। इसी टूल से आप अपना जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हो और अपना जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हो। जी हर इंसान खूबसूरत होता है, उसके करेक्टर से उसमें मजीद खूबसूरती आती है। तो वही करेक्टर होता है जिसको आप थोड़ा सा लेस कर देते हैं, तो वही इंसान होता है जिसकी शक्ल से लोगों को नफरत हो जाती है और यार लोग उसको दूसरी नजर से देखते हैं, याद रखना। जी तो सिंपल सी बात है, आप चाहते हो कि आपके वालदेन को लोग देखें। वालदेन समझते हो? वालदेन का मतलब क्या होता है? जी पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स, आपके बड़े आप लोग। पेरेंट्स, बड़े लोग, आपके पेरेंट्स से लोग मिलें, तो वो कभी आपकी वीडियो देखी हो तो उनको बोलें कि मैंने आपकी बेटी की वीडियो देखी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपको उनके ऊपर प्राउड होना चाहिए। जी लेकिन कभी ऐसा ना हो कि वो उनको बात करो, बोले मैंने आपकी बच्ची की वीडियो देखी थी, वो बहुत बुरी काम कर रही है, उसको आप मना क्यों नहीं करते हो? तो मेरी बात समझे? या आपके ऑफिस में किसी, यहाँ आप काम करते हो, वहां किसी को कोई बोले, या आपकी बैक पे बुक बंदा बात करे, जिसको बैक बाइटिंग बोलते हैं, कि ऐसा वैसा वैसा, वैसे भी आपको पता चल जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। हाँ पता चलता है, उसे गौर वैसे करना ही हो मैंने क्या बोला। जाता है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ब्रांड बन के मशहूर हो जाओ, और या सिर्फ मशहूर हो जाओ और उसके बाद गारंटी नहीं है कि आप ब्रांड बनोगे। चॉइस आपकी। लेकिन जब ब्रांड बनोगे तो मशहूर लाजम होगे, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन खड़े जरूर होगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी थैंक यू सो ठीक मच, है, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात सो करके, मच, मुझे भी और बहुत लाइव अच्छा आने के लिए लगा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और टिकटॉक का ओके, इस्तेमाल बेहतरीन करें, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल थैंक यू सो बेहतरीन करें। मच, थैंक बाय यू, टेक बाय। केयर, बाय बाय।